किसी शख्स से उम्मीद जगती है, किसी शख्स से प्रेरणा मिलती है जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ करने की। और ऐसे ही एक शख्स का नाम है सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने छोटी उम्र में ही वो कामयाबी हासिल कर ली जो कई लोग पूरी जिंदगी हासिल नहीं कर पाते। सुशांत सिंह राजपूत ने उन युवाओं की आंखों में एक बड़ा सपना जगाया जो ये सोचते हैं कि छोटी जगह में रहते हुए कैसे सपनों को सच किया जा सकता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने एक तरह से कहें कि अपने अभिनय के जरिए, अपने उस शानदार काम के जरिए ये साबित कर दिया कि भले ही जगह छोटी हो लेकिन अगर आप में काबिलियत है तो आप हर सपना पूरा कर सकते हैं और अपना मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। मुकाम सुशांत सिंह राजपूत ने हासिल किया, लेकिन इतनी कम उम्र में वो दुनिया को अलविदा इतनी जल्दी कह देंगे ये किसी को यकीन नहीं हुआ। जब 14 जून 2020 की वो सुबह हुई, हर कोई एक तरह से कहें अपने काम में ही उसी तरह से आगे बढ़ रहा था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी के वो पल बस यूँ कहें कि थमने वाले थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जब खबर आई और इस खबर को जब मैंने भी उस वक्त पढ़ा तो 2 मिनट के लिए यकीन नहीं हुआ कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत इतना कामयाब एक्टर, इतना एक तरह से खुश मिजाज इंसान, उसके साथ ऐसे कैसे हो गया, कैसे मौत हो गई सुशांत सिंह राजपूत की, क्या हुआ था। उस तरह के बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो उस वक्त सबके मन में उठने लगे थे। और इन्हीं सवालों को तलाशने के लिए मैं मुंबई गई। उस दौरान सुशांत सिंह राजपूत की तमाम ज़िंदगी के पहलू से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात हुई और सच जानने की कोशिशें शुरू कर दी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने कि आखिर क्या हुआ। एक कलाकार जिसके पास सब कुछ है, उसकी मौत कैसे हो गई, क्योंकि कई बार सवाल ये भी खड़े हो गए कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद मौत को गले लगा लिया, इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन सच क्या था ये हर कोई जानना चाह रहा था, लेकिन वो सच तक पहुंचा जाता उसके लिए इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई, सीबीआई ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लेकिन इस बीच एक और बात निकल कर सामने आई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ, वो किसकी मौत थी, वो थी सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर की मौत जो महज 5 दिन पहले हुई थी, और उनका नाम था दिशा सालियान। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, और ये बताया जाता है, चूँकि जब मैं भी मुंबई में थी तब मैंने दिशा सालियान की उस अपार्टमेंट से भी रिपोर्टिंग की थी, और दिशा सालियान जैसा सब पास पड़ोसी लोग बताते हैं कि रात के वक्त आई पार्टी करके, पहले वो घर आती हैं ऑफिस से लौट के, फिर वो पार्टी करने के लिए जाती हैं, और उस वक्त तो रात में जब लौट कर आती हैं सीधे अपने घर पर जाती हैं, और उसे कुछ देर के बाद ही 14वीं मंजिल से नीचे गिरकर उनकी मौत हो जाती है। लेकिन दिशा सालियान 14वीं मंजिल से गिरी कैसे, ये बड़ा सवाल उठने लगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि दिशा सालियान ने अपनी मौत से पहले सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन किया था और कुछ ऐसी बातें बताई थी जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत भी परेशान हो गए थे। और वो बात जो थी वो सिर्फ दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के बीच की थी, लेकिन वो बातचीत क्या थी किसी को नहीं पता लग पाया, क्योंकि तब तक सुशांत सिंह राजपूत भी इस दुनिया में नहीं रहे थे और दिशा सालियान की भी मौत हो चुकी थी। लेकिन दिशा सालियान की मौत का सच क्या है, क्योंकि दिशा सालियान की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत दोनों ही एक तरह से कहें कि संदेह के दायरे में आने लगी थी। क्या था ऐसा, क्या हुआ इन 5 दिनों में कि सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो जाती है, ये वो बहुत सारी बातें थी जो निकलकर सामने आना जरूरी होने लगी। हम लोग भी मुंबई में थे, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, बातचीत सबसे करते थे, जानने की कोशिश भी करते थे कि जो हाउस मैनेजर है सुशांत सिंह राजपूत का वो क्या कह रहा है। इस बार हालांकि इस बीच अरेस्टिंग भी हुई सुशांत सिंह राजपूत के जो करीबी हैं उनकी भी अरेस्टिंग हुई, क्योंकि कई ऐसे दोस्त थे जो कह रहे थे कि हमने देखा था, और इस वक्त बहुत सारी बातें थी, अलग अलग स्टोरीज थी। लेकिन सवाल तो उस बीच ये भी था कि दिशा सालियान को फिर क्या हुआ, आखिर कौन दिशा सालियान के पीछे पड़ा हुआ था, ये सवाल उठ खड़े होने लगे। दिशा सालियान की मौत के साथ नीतीश राणे भी सामने आए जो ये कह रहे थे कि दिशा सालियान की हत्या की गई है, यानी 14वीं मंजिल से दिशा सालियान खुद नहीं गिरी बल्कि उनको धक्का दिया गया है। ये नीतीश राणे लगातार कह रहे थे, और नीतीश राणे कह रहे थे इस बात के मेरे पास सबूत है, अगर पुलिस मुझे बुलाएगी तो मैं इसके सबूत पुलिस के सामने रख दूंगा। अब नीतीश राणे को मुंबई पुलिस ने समन किया है, बुलाया है उन सबूतों को देने के लिए जो दिशा सालियान की मौत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नीतीश राणे ये दावा कर रहे हैं कि ये हत्या है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के सवाल करते हैं कि क्या वाकई अपने आप गिर गई दिशा सालियान, ऐसा कैसे हो गया, आराम से पार्टी करके अपने घर में आती हैं, फिर क्या ऐसा हो गया कि अपनी बालकनी में आती हैं और इसके बाद गिर जाती हैं, छलांग लगा देती हैं, या फिर धक्का दे दिया जाता है। अब ये जो मौत की गुत्थी का रहस्य है ये खुलने वाला है, क्योंकि नीतीश राणे जब कल पुलिस के सामने
वो तमाम एक तरह से कहें सबूत रखते हैं, तो वो होते क्या हैं, वो सबूत क्या हैं, इसका इंतजार सबको है। और ये सबूत क्या ये कहें कि उस राज को उजागर कर पाएंगे, क्या सच सामने आएगा, क्या है मौत के पीछे का रहस्य, क्या हुआ था उस दिन उस रात में दिशा सालियान के साथ, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि शायद नितेश राणे जब सबूत रखेंगे तो सामने आएगा।